Thank you. लग रहा है ना, कि दे दे ये like हाँ। <laughs> <Yes. laughs> हाँ। <laughs> हाँ। यार ये ना ये ये दुनिया मुझे बहुत सालों से I've been very excited about it. Uh, और एनिमे की दुनिया बहुत एक्चुअली जैपनीज वर्ड है एनिमेशन का तो सारे जो वहाँ से ये एनिमेशन निकल के आता है और पहले तो ये आज आज भी एक्चुअली ज्यादातर नाइन्टी परसेंट ये ड्रॉन होते हैं तो और इसकी अपनी एक ऑडियंस है आ, और इंडिया में बल्कि इसकी और भी बड़ी ऑडियंस है सो आई गॉट वेरी लकी कि आई गॉट अ चांस टू वर्क ऑन सोलो लेवलिंग और उसमें एक कैरेक्टर का मैंने हिंदी डब किया है एंड हाँ मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी तरह चाह रहा हूँ कि इस इस इंडस्ट्री से मेरा आ, मेरा रिश्ता जुड़े और यू नो होपफुली फ्यूचर में और

आप बस ट्राई कर सकते हैं कि आप उस लेवल तक पहुंच पाएँ जिस लेवल पे इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में परफॉर्मेंसेस हुई हैं और एनिमे का ये यूं भी एक्चुअली एनिमे में खासियत ये है कि उसकी ड्राइंग्स पहले बनती हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग और आवाज़ बाद में उस पर लगती है तो इन सेंस देखा जाए तो हर लैंग्वेज में वो एक तरीके से औरिजनली है Uh, उसमें बड़ा मज़ा आया मुझे uh, थोड़ी सी प्रेप करनी पड़ी क्योंकि वो पूरा उसकी स्पेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है वो हर डबिंग में होती है तो या yeah. अली जिस तरीके से आपने कहा काफ़ी मुश्किल uh, मतलब जो प्रोसेस काफ़ी मुश्किल था तो हाउ डू यू बैलेंस द वॉइस डबिंग ऑफ दिस कैरेक्टर एक्चुअली मुश्किल थोड़ा सा था क्योंकि कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग था थोड़ा ओल्डर कैरेक्टर है तो हमें उसकी वॉइस थोड़ी मुझे बदलनी पड़ी टेक्सचर वॉइस का बहुत इम्पोर्टेंट था आपको सारे दूसरे कैरेक्टर्स की वॉइस को भी सुनना है और उसके हिसाब से एक यूनिक वॉइस अपनी वहाँ देनी है आ, और सारे लोगों ने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग काम किया तो, आ, तो या आई I मीन mean, वो एक आफ्टर अ पॉइंट बड़ा एक उसकी अलग गणित चल रही थी कि हाँ इधर मैच करो फिर हम उसी के हिसाब से डायलॉग्स

उसका पूरा पढ़ना पड़ा उसका चिट्ठा पढ़ना पड़ा उसका बैक स्टोरी पढ़ना पड़ा कहाँ से क्यों ये बोल रहा है क्या कर रहा है वरना वैसे भी होता है कि आप भाई स्टूडियो आइए कुछ पता पता है नहीं आप रिकॉर्ड करके चले जाओ तो कुछ एवरेज निकल के आ जाएगा लेकिन इधर हमने थोड़ा सा और इसमें एफर्ट लगाया मुझे लगा इसका नैरेटिव बहुत इंटरेस्टिंग है और एनिमे में ये खासियत है कि एक एक फ्लैट कार्टून नहीं है ना इनमें एक इमोशनल जिसको बोलते हैं एक ट्रेजेक्ट्री है एक करता है, तो नैरेटिव बहुत जरूरी है कि हर कैरेक्टर का एक ग्राफ रहे शुरू से एंड तक, तो अभी भी हमारा थोड़ा काम रह गया, so, yeah, अली, अली ये स्टोरी किस का होने वाला है, है, तो है? पूरी दुनिया में ना घुमा फिरा के नौ इमोशन है ना तो उसी का पूरा खेल चल रहा है पॉमिटेशन कॉम्बिनेशन आप कुछ भी चूज कर लीजिए जहाँ आदमी को आप या औरत को या जिसको आप पकड़ लें वैसे उस स्टोरी से बस वहाँ आदमी इंटरेस्टेड है एनिमे इतना फेमस हो गया है और अब तो क्रंची रोल की मतलब यहाँ व्यूइंग इतनी ज़्यादा है इट्स इट्स ह्यूज इट्स अनदर इंडस्ट्री ऑल टुगेदर आपके कोई एनिमे एनिमेशन कोई फेवरेट कैरेक्टर है मेरा हो आई मीन स्पिरिटेड अवे मेरी सबसे ऑल टाइम फेवरेट

Uh, उसका अलग मज़ा है वो अलग एक हमारा मीडियम है जो हमारे साथ ही चलता रहता है लेकिन uh, लेकिन डबिंग इन इट सेल्फ एक आर्ट है तो आई टोटली अग्री कि अगर उसकी एक अलग फॉलोइंग uh, है एक अलग इंडस्ट्री है uh, होनी चाहिए क्योंकि बहुत लोग हैं जो वॉइस आर्टिस्ट हैं और हम लोग इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि एक्टर्स वॉइस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते वॉइस uh, मॉडुलेशन पे एक्सेंट्स पे डायलैक्ट पे ये सब बहुत अहम चीज़ें हैं हमारी नॉर्मल बॉलीवुड फिल्मों फिल्मों में 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 या या अंग्रेजी पूरे वर्ल्ड सिनेमा सर uh, रीता जी का फर्स्ट क्या रिएक्शन जब आपने उनको बताया बताया कि मैं मैं डबिंग मैंने नहीं बताया, मैं तो सरप्राइज था पे जा रहा हूं किसी फिल्म की। uh, तो आज उसे पता चला ये क्या हो रहा है तो बताया नहीं तो होपफुली देखते मिल सकती है Creative. भाई नहीं मरवाओगे तुम okay. <laughs> 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 नहीं नहीं अभी अभी स्पॉयलर्स नहीं दूंगा अभी हो रही है स्क्रीनिंग <laughs> होने वाली है वहीं पे आई व्हाट इज हैव नॉट कवर्ड इट आई हमारा प्रोडक्शन है uh, रिचा और मेरा हमारी फिल्म अभी पहली फिल्मांस uh, में गई है

Uh, इस साल uh, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है uh, मेरी एक बाहर की फिल्म थी, भी थी कांधार और खुफिया रिलीज हुई अब फिर से हमारा काम शुरू हो रहा है हॉलीवुड uh, में स्ट्राइक चल रही थी तो इसलिए मेरे दो तीन चीज़ें पुश हो गई uh, यहाँ पे जो है वो है मिर्जापुर आएगा दैट विल बी कमिंग आई थिंक नेक्स्ट ईयर अली सर बात करूँ बॉलीवुड में आपको एकदम दमदार दम लगती थी आपने बात की मुझे शाहरुख खान यार <laughs> वो तो आई मीन बाप है आवाजों के अमिताभ बच्चन आई थिंक वी ऑल नो उन्होंने काफ़ी वॉइस ओवर किए हैं उनके करियर में काफ़ी नरेशंस किए हैं और आई मीन कबीर बेदी की आवाज़ मुझे बहुत पसंद लगती थी एक बात थी

So that's why i couldn't do it. i missed like the diamond continue we'll find out last message to the audience and fans uh well, i mean you know sign up to crunchy because i think they're doing doing an amazing job uh, uh i think yeah i think the cheapest subscription is Crunchyroll. 79 <laughs> <79? laughs> yeah <laughs> so good uh, go for it because i think um, दुनिया की सबसे सबसे कठिन इमोशंस कभी कभी ना एनिमे में निकल आ, आते हैं और एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ़ द रीजंस लोग थोड़े खिंचते हैं उस तरफ तो ये एक नई दुनिया है बहुत लोगों के लिए क्योंकि हम लोग को फिल्म की आदत है लेकिन uh, ये है और ये बहुत बहुत ब्यूटिफुल दुनिया है सो चेक इट आउट